के जो ये क्या दूर साहब, इन्होंने एक और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अशोक नवी साहब और सारी टीम शहर अध्यक्ष तमाम पार्टी के लीडर सब मिलकर एक बड़ा काम कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण का। क्योंकि हर टाइम जो देखा गया है डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में हर NGOs ने या हर छोटी बड़ी पार्टीज जो है इन्होंने मिलकर कोशिश करी, लेकिन एक MIM आज बड़ी ताकत बन चुकी है और अपनी बात मनवाने के लिए बॉम्बे जा रहे हैं। बॉम्बे के लिए जो है हमारा इंतज़ाम आमखास के अंदर अभी पूरे लोग उतरे, सुबह 7 बजे जो है हमारे मिल्क हॉर्नर से वाया पूना मार के बॉम्बे पहुंचने वाले। तो हमने ये सारे चीज़ें देखा और सुबह का एक नाश्ते का इंतज़ाम का हमने एक मूवमेंट चलाए और उसकी सारी तैयारियाँ देख रहे होंगे आप, हमारे पास अभी चालू है और इंशाल्लाह हमारे जो बड़ी खुशी की बात है इसकी पहल बहुत अच्छी से करें और पूरी ताकत से हमारे पार्टी के लोग और ख़ासतौर से हमारे इम्तियाज़ अली साहब जिस तरह से जोर से जो काम कर रहे हैं तो उसको देख के हमारे पास आप देखेंगे ये काम का हमने जब से जिक्र करा हमारे घर में हमारे आसपास के बच्चे हमारे फैमिली के बच्चे सब इस काम में जुड़ गए और एक अच्छा मिशन लेके चल रहे हैं साहब, ये सबके समझ में आया। तो हमारे पास के छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, उसकी वीडियोज़ भी मैं आपको फोटोज़ और वीडियोज़ बताता हूँ। जी जी, तो एक बच्चों के अंदर बहुत अच्छा जो, लेकिन रफत भाई कितना कामयाब रहेगा ये, कितनी ताकत इसमें लग रही है? देखो हर टाइम जो है किसी ने कुछ ना कुछ कोशिश की थी, लेकिन आपकी जो कोशिश करी रहेंगे तो इंशाल्लाह बॉम्बे के अंदर सरों का जो बोलते हैं ना समंदर रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारी सबकी मेहनत है और उस तरीके से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर और हम जब तक ये आरक्षण नहीं होंगे इंशाल्लाह ये हमारा मूवमेंट चलते रहेंगे। जी हमें पता चला है रफत भाई कि आपने कुछ नाश्ते का प्रोग्राम कर रहे हैं आप, तो नाश्ते में क्या देने वाले आप जो लोग यहाँ से जा रहे हैं? देखो हमने तो एक नौदलसा रखा है, एक वेज बिरयानी है और बनाना है जिसके केले हैं, चिप्स है, बिस्किट है और मतलब बहुत सारे उसके मांस भी रख रहे हैं हम, क्योंकि विदाउट मांस के इतने लोग जा रहे हैं तो हमने मांस का भी इंतज़ाम करें और इस तरीके जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, यहाँ तक कि हमने टैबलेट्स भी रखे वॉमिटिंग्स के, इसके सर दर्द की टैबलेट्स वगैरह भी रखे हमने जहाँ रस्ते में ज़रूरत पड़ी। आप 5 साल यहाँ पे कानपुर का कार्यकाल पूरा किया है आपने, आपको क्या लगता है आप राजनीति में कदम रखे हैं, मुस्लिम आरक्षण कितना ज़रूरी है मुसलमानों को? देखो हमने बहुत करीब से चीज़ों को मैंने पर्सनल देखा और सब लोग देखते भी, क्योंकि हमने देखे जो बच्चे पुलिस भर्ती के लिए मुस्लिम बच्चे जो मेहनत करें उनके जो टर्म्स गए 2-2, 3-3 साल उनकी प्रैक्टिस ग्राउंड पे आना फिजिकल फिटनेस एग्ज़ाम, तो इनको एक एक 2-2 मार्क्स से जब बच्चे जब फेल हो गए या उनके 2-2 मार्क्स से उनको मिली नहीं उनकी जगह पुलिस भर्ती में उनको, तो वो बच्चों की जो मायूसी थी और बच्चों का दिल टूटने के बाद वो बच्चे आज कोई ऑटो रिक्शा चला रहे, कोई होटल में या कोई जोमेटो में काम कर रहे थे। तो ऐसे कई सारे केसेस हैं, हमने प्रैक्टिकल बहुत कोशिश करी कि कोई ऑफिसर से बात करके कि भाई कैसा करना, तो बोले हम नहीं कर सकते, तो हमने बहुत सारी जगह से कोशिश करी लेकिन हमारे को उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये आरक्षण की अहमियत कौन जानेगा जिसने ये आज तक जाके 2 मार्क्स और 1 मार्क्स से जो आया, तो मेरा बोलना है आम जनता इससे जो आज तक नहीं पहुंची और जिससे ये जिसको ये तकलीफ है और जिसका पूरा कैरियर तबाह हो गया, तो उससे आप पूछेंगे तो वो आपको रोते हुए बताएंगे। बिल्कुल जी, आज इम्तियाज़ अली साहब ने भी ये कहा है कि दूसरे पार्टीज में भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर हैं लेकिन उन्होंने कभी अगर आगे आकर के मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं करते, जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे सिर्फ चॉकलेट देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं कि सिर्फ मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बढ़ चढ़ कर कोई हिस्सा नहीं लेता है। आज इम्तियाज़ अली साहब ने कहा है कि जो मुस्लिम लीडर है उन्होंने भी हमारे साथ में जुड़ना चाहिए भले वो कोई भी पार्टी की हो, इस पर आप क्या कहें? देखो हर पार्टी ने अपनी अपनी जगह सियासत करते रही है और आज भी कर रही है, तो हमारा जो एक मूवमेंट चला है हमने मुस्लिम आरक्षण एक ही मिशन मुस्लिम आरक्षण, तो हम तमाम पार्टी के लीडर्स जो भी पार्टी है कांग्रेस हो NCP हो तमाम पार्टियों में जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं, वेलकम दोस्तों, स्वागत है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे खासदार साहब ने बोले अपने स्टेज पे अपनी लड़े लड़ेंगे लेकिन हम सब मिलकर मुस्लिम आरक्षण के लिए साथ में लड़ेंगे, तो मेरा भी बोलना है वो तो हमारे बड़े हैं उन्होंने सारी चीज़ें बताई, लेकिन मेरा भी पर्सनल साहब ने जैसा बताए तो अपने को एक जगह आना चाहिए और ये ताकत तो जैसा किसान आंदोलन हुआ वैसे ही औरंगाबाद शहर से महाराष्ट्र के अंदर अपने यहाँ की गवर्नमेंट को इनसे अपना हाथ लेना चाहिए। आज मुस्लिम आरक्षण के लिए MIM इतनी बड़ी रैली निकाल रहा है, आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत कितनी थी मुसलमानों की? मुस्लिम ये तो बहुत पहले निकलना चाहिए था लेकिन आज
एक एमआई पार्टी ताकत के साथ इसको पहुंच रही है और बॉम्बे तक अपना मैसेज दे रही है मुसलमानों के लिए, एक बड़ा काम को अंजाम दे रहे हैं लोग। एक इतिहास रचा जाएगा खासदार साहब बोल रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम होगा जी। चलिए, ये हमारे तो आरक्षण चाहिए जी। आप क्या कहेंगे बेटा? हम इम्तियाज अली के साथ है, हमको आरक्षण चाहिए जी। यहाँ पे हर एक बच्चा यही कह रहा है कि हम इम्तियाज अली के साथ में हैं, हमको आरक्षण चाहिए। एक बार सब जोर से हम इम्तियाज अली के साथ हैं, आरक्षण चाहिए। एक बार फिर से जोर से हम इम्तियाज अली के साथ हैं, आरक्षण चाहिए। यहाँ पे हर एक हम इम्तियाज अली के साथ में है।